नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को तेज गति से समझाने वाले और आपका समय बचाने वाले न्यूज शो भारत नाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। चलिए बात करेंगे आज देश में अग्निपथ योजना के बाद सबसे ज्यादा बवाल अगर किसी चीज को लेकर हो रहा है, चर्चा अगर किसी चीज को लेकर हो रही है, तो वो है महाराष्ट्र की सियासी पटकथा, जिसमें हर एक किरदार का प्रदर्शन ऑस्कर लेवल का रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2014 से लेकर अब तक देश के 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसी ही फिल्म देखने को मिली है। लेकिन इस पिक्चर की स्क्रिप्ट आखिरकार कौन लिख रहा है? आरोप यह है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और वही लोग कई बार राज्यों की स्थितियों को बिगाड़ने का काम करते हैं। कितनी बार इस शो को सक्सेसफुल देखा गया है और कितनी बार ये पिक्चर फ्लॉप रही है, इस बारे में पूरी जानकारी आज आपको हम इस रिपोर्ट पर देंगे। तो चलिए इसको जानने के लिए पर्दा उठाते हैं उस पॉलिटिकल पिक्चर का जिसका हर किरदार बेहद दिलचस्प है। 2014 से अब तक कितने राज्यों में गिरी सरकार? क्या है बीजेपी का ऑपरेशन लोटस? सरकारें गिराने की फिल्म का डायरेक्टर कौन? दिल्ली में बैठक, गुजरात में मोल भाव, विधायकों का दाम कौन लगा रहा है? महाराष्ट्र झांकी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बाकी। इन दिनों राज्य सरकारों की सबसे बड़ी चिंता राज्य का विकास नहीं बल्कि कुर्सी बचाने पर मंथन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सरकारों को अस्थिर करने की कोशिशें अब तक कई बार हो चुकी है। 2014 से लेकर अब तक करीब 7 बार ऐसा हो चुका है जब राज्यों की सरकार पर बीजेपी की स्ट्रेटजी की तलवार लटक रही हो। तो चलिए जरा आपको समझाते हैं कि कब कब किन किन राज्यों में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस ने सरकारों पर गाज गिराई और कितनी बार सफलता पाई। एमपी की सियासत के वो कड़वे 17 दिन, कमलनाथ सरकार से सिंधिया की नाराजगी का फायदा। होली के बाद मार्च 2020 में बीजेपी ने सिंधिया से संपर्क बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद 9 मार्च 2020 को सिंधिया ने बगावत शुरू कर दी। सिंधिया के 20 से ज्यादा विधायकों ने कमलनाथ की टेंशन बढ़ा दी। चार्टर प्लेन से बेंगलुरु बागी विधायकों को भेजने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद कर्नाटक में मंथन हुआ, कमलनाथ की सरकार गिर गई। 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और मामा को एक बार फिर से एमपी की कमान मिल गई। अब जब एमपी में बीजेपी का प्लान सक्सेस हुआ तो राजस्थान में भी कोशिश की गई, लेकिन यहां बीजेपी बुरी तरह से फेल साबित हुई। कैसे, जरा ये भी समझ लेते हैं। गहलोत सरकार पर बीजेपी का एक्सपेरिमेंट हो गया फेल। सीएम पद को लेकर सचिन पायलट हुए थे नाराज। बीजेपी ने पायलट को सिंधिया बनाने की कोशिश की, जिसके बाद स्टेट यूनियन को इसकी अहम जिम्मेदारी दी गई। 11 जुलाई 2020 को पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 18 विधायकों को लेकर पायलट गुरुग्राम पहुंच गए। गहलोत ने भी अपने विधायकों को होटल में रखा। गहलोत ने सचिन पायलट पर कई विवादित बयान दिए, जिसके बाद पायलट की नाराजगी में बीजेपी को खासा इंटरेस्ट दिखने लगा। नाराजगी के चलते डिप्टी सीएम का पद भी पायलट के हाथ से छिन गया। 10 अगस्त 2020 को प्रियंका ने पायलट को मनाया, जिसके बाद बीजेपी की स्ट्रेटजी राज्य में फेल हो गई, या यूं कहे कि बीजेपी की स्ट्रेटजी पर पानी भर गया। अब बात उस राज्य की जहां बीजेपी का चाबुक चला। दक्षिण में भी बीजेपी ने चाणक्य की नीति से आखिरकार सरकार गिरा ही दी। जरा कैसे, इस कहानी को भी सुनिए। कर्नाटक में कुमार स्वामी की सरकार पर कमल अटैक। 2017 में चुनाव में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बी एस येदियुरप्पा इस दौरान सीएम बने, लेकिन फ्लोर टेस्ट में वो फेल हो गए। कांग्रेस के 87 और जेडीएस के 37 विधायकों ने इस दौरान गठबंधन करके सरकार बना ली। जुलाई 2019 में कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3 विधायक बागी हो गए। अब कांग्रेस के पास 101 सीट बची और बीजेपी के पास सिर्फ 105 सीटें बची। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। फ्लोर टेस्ट में ये सरकार गिर गई। बी एस येदियुरप्पा को इस दौरान फिर से कमान मिल गई। अभी फिलहाल बम्बई कर्नाटक में सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत को अस्थिर करने वाला प्लान कोई नया नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में इसको लेकर खूब टाइपिंग हुई थी।
कई किरदारों का जलवा भी बिखरा था, ऑपरेशन लोटस किसी भी फ्लॉप फिल्म की तरह इस दौरान फिट गया। अब कैसे, यहाँ इसको भी समझते हैं। चाणक्य नीति हुई फेल, बीजेपी का निकल गया तेल। दरअसल में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था सीएम पद को लेकर, लेकिन यहां पर राड़ छिड़ गई थी। दरअसल में ढाई ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर दोनों ही के बीच में राड़ छिड़ी हुई थी। शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। 23 नवंबर 2019 को फडणवीस में अजीत पवार के साथ शपथ ली। शरद पवार ने विधायकों को अजीत के साथ जाने से रोक लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। फडणवीस ने 72 घंटे में ही ये मान लिया कि अब वो सीएम पद पर नहीं रह सकते और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने राज्य की कमान संभाली, सीएम पद की शपथ ली। महाराष्ट्र से जरा थोड़ा और आगे जाइए तो अब बात हम गोवा की करेंगे। यहाँ भी बीजेपी ने अपना पुराना पैतरा आजमाया, लेकिन यहाँ पार्टी पास हो गई। कैसे, ये जरा देखते हैं। गोवा में कैसे बन गई बीजेपी सरकार? 2017 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 17 सीटें कांग्रेस को हासिल हुई थी। मनोहर पर्रिकर ने 21 विधायकों के साथ सबसे पहले फ्लोर टेस्ट की बात कर दी। हालांकि बीजेपी के पास सबके समय पर 17 विधायक भी नहीं थे। कांग्रेस ने पहले की सरकार बनाने की घोषणा कर दी और सरकार के लिए पेशकश कर दी, जिसके पास राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने इस नियुक्ति को स्वीकार कर लिया। छोटे दलों के समर्थन से बीजेपी की सरकार बन गई, यानी ये समझिए कि गठजोड़ की राजनीति कर बीजेपी ने गोवा में सरकार बना ली। मनोहर पर्रिकर को एक बड़ी जिम्मेदारी इस दौरान सौंपी गई। अब बात अरुणाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस के पास 42 और बीजेपी के पास सिर्फ 11 विधायक थे, लेकिन बीजेपी ने वहां भी तख्ता पलट कर दिया। कैसे, अब जरा इस पे नजर मारते हैं। अरुणाचल में पास हो गया ऑपरेशन लोटस। 2014 में चुनाव के बाद बनाई गई सरकार, कांग्रेस नेताओं के बीच रंजिश का बीजेपी को फायदा मिला। दरअसल वे 16 सितंबर 2016 को सीएम पेमा खांडू ने पार्टी को छोड़ दिया। 42 विधायकों ने भी इस दौरान उनका साथ दिया और पार्टी को अलविदा कह दिया, जिसके बाद पीपीए नामक पार्टी में ये सभी बागी विधायक शामिल हो गए और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद फ्लोर टेस्ट जब हुआ तो कांग्रेस सरकार गिर गई, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया गया, गठबंधन की सरकार बन गई। ऑपरेशन लोटस का कहर पहाड़ों में भी रहा और कांग्रेस कम से कम उत्तराखंड में तो इस रणनीति से बची रही, लेकिन कैसे रही ये पूरी पॉलिटिकल फिल्म, जरा इस पर भी नजर मार लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फेल की बीजेपी की स्ट्रैटेजी। साल 2012 में विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा रही, कांग्रेस 32 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, बीजेपी को सिर्फ 31 सीटें मिली, जिसके बाद कांग्रेस ने केदारनाथ आपदा के बाद विजय बहुगुणा को सीएम पद से हटा दिया और 2014 में हरीश रावत को सीएम बना दिया। बीजेपी ने बहुगुणा की नाराजगी का खूब फायदा उठाया। 18 मार्च 2016 को बहुगुणा समेत 9 विधायकों को कांग्रेस का बागी बनवाया। स्पीकर ने इस दौरान बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया, 9 बागियों को अयोग्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का इसके बाद आदेश दिया। 11 मई 2016 को बहुमत साबित करके इस दौरान रावत की सरकार बची रही। बीजेपी का पैतरा सुप्रीम कोर्ट ने फेल कर दिया, हरदा की सरकार वहीं पर मौजूद रही। यानी बीते 8 सालों में बीजेपी ने 7 राज्यों में सत्ता पलट का खेला खेला, लेकिन इस सब के बीच एक बात साफ नजर आई और वो थी बीजेपी के विपक्षी खेमे से नाराज नेताओं को जबरन अपने पाले में करने की रणनीति। कई बार छोटे दलों को भी अपने साथ करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही ये पार्टी अब कई बार इस तरह की कोशिशें कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस राजनीति से आखिरकार फायदा होगा किसे और किसका होगा भला? क्यों ही लोकतंत्र की इसी को लेकर बार बार धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जहां चुनी हुई सरकारें सत्ता के चिंबक के चलते खिंची हुई चली आती है। जरा सोच कर देखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपको हमने दिखाया कि किस तरह से बीजेपी ने पिछले 8 साल में 7 बार ऑपरेशन लोटस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सरकारें संकट में आ गई। लेकिन एक सवाल इस सभी के बीच में आप सभी के जहन में उठता होगा कि आखिर क्यों हर बार बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी के लिए गुजरात का ही इस्तेमाल करती है?
आखिर गुजरात में ऐसा क्या खास है कि बीजेपी का सियासी खेला यहीं पर शुरू होता है और कहीं ना कहीं पटकथा भी यहीं लिखी जाती है। सत्ता पलट वाली गुजराती स्टोरी की इस रिपोर्ट को डिकोड हम करेंगे। सत्ता पलट में गुजरात का क्या काम है? क्या गुजरात में लगती है विधायकों की बोली? बीजेपी के गुजरात फैक्टर का सच क्या? गुजरात से प्लानिंग राज्यों में अटैक, बीजेपी की स्ट्रैटेजी का सबसे सटीक विश्लेषण। देश भर में सत्ता पलटकर किसी भी राज्य में अपनी पैठ जमाने वाली बीजेपी के प्लान ए को तो हम पहले ही आपके सामने डिकोड कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर अक्सर ये भी सवाल उठता है कि आखिर किसी भी राज्य की सत्ता को हिला देने वाली पार्टी सिर्फ गुजरात में ही क्यों मंथन करती है, और आखिर क्यों किसी भी अन्य दल के नाराज नेताओं का डेरा गुजरात में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसी को लेकर कई थ्योरियां भी है, जरा समझिए। थ्योरी नंबर वन, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष मराठी है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए तो महाराष्ट्र में उठे सियासी तूफान में उनकी भूमिका को अहम माना जा रहा है। चर्चा है कि उन्होंने पहले ही सत्ता पक्ष से नाराज नेताओं से बात की थी, जिसके बाद राज्य में ऐसे हालात बन गए। थ्योरी नंबर टू, गुजरात में मजबूत कैडर रखती है बीजेपी। गुजरात में पिछले 24 साल से बीजेपी की सरकार है, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ये गृह राज्य है, लिहाजा बीजेपी के लिए मंथन करना आसान हो जाता है। बचने के लिए नाराज विधायकों के लिए यह सबसे सुरक्षित जगह है। थ्योरी नंबर तीन, इससे पहले भी गुजरात में कई बार हो चुका है मंथन। अगस्त 2020 में राजस्थान में राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी, उस दौरान बीजेपी ने अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए अपने 18 विधायकों को विशेष विमान से गुजरात शिफ्ट किया था। बीजेपी को डर था कि कहीं गहलोत इन विधायकों को अपने पाले में ना कर ले। यानी कि साफ है, बात चाहे कहीं की भी हो, जिक्र गुजरात का ही होता है। गुजरात बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करने से लेकर विरोधियों को संदेश देने के लिए भी गुजरात फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि देश में इस पॉलिटिक्स का असर क्या होगा आने वाले दिनों में, और राज्य में क्या कुछ देखने को मिलेगा, सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो जिस तरीके से दो अहम सवाल हर किसी के जहन में उठते हैं कि आखिरकार बीजेपी ने पिछले 8 साल के कार्यकाल में देश के कई राज्यों के अंदर सत्ता को हिलाने का काम किया है, कई बार इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनती रहती है चुनावों के लिए, बीजेपी का सबसे मास्टर प्लान क्या होगा ये देखते बनता है। लेकिन जिस तरीके से दो अहम सवाल थे कि सबसे पहली बात तो ये कि गुजरात में ही आखिरकार क्यों मंथन होता है, इसका भी आपने रिपोर्ट देखी, साथ ही साथ आपने ये रिपोर्ट देखी कि पिछले 8 साल में किस तरीके से बीजेपी ने कई राज्यों के अंदर अपने हथकंडों को अपनाया, कई राज्यों में वो पास हुई तो कई राज्यों में वो फेल हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस नीति के चलते लोकतंत्र पर वार कितनी बार होगा, क्योंकि लोकतंत्र पर ये सबसे बड़ा प्रहार है कि चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास होता है, और उसके बाद जब चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास एक पार्टी विशेष की तरफ से किया जाता है, उसी को लेकर मंथनों का दौर होता है, तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस करता है वो होता है वो आम आदमी, जो कि एक पार्टी के लिए, एक संस्था के लिए, एक नेता के लिए वोट करता है। पूरी मेहनत से वो ये चीज़ सोचता है कि मेरा नेता जो है वो मेरे लिए काम करेगा, लेकिन जब उस नेता को वहाँ से हटा दिया जाता है सिर्फ कुछ लोगों के पर्सनल फायदे को देखकर, तो सबसे ज़्यादा ठगा हुआ वो आम आदमी ही महसूस करता है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमारी, हमें ज़रूर बताइएगा, और बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।